हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैबेलिन न्यूयॉर्क के इस ब्लश पैलेट का रिव्यू। ये वीडियो आपके लिए होएगा बहुत ही ज्यादा यूजफुल, क्योंकि मैं इसकी सारी डिटेल बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि ये पैलेट आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी बजा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पैकेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल सी पैकेजिंग है। जब ये मुझे मिला था तो ये इस तरह यहाँ पर स्टिकर से क्लोज किया हुआ था, यानी सेलो टेप वगैरह लगा हुआ था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइटली बंद था, साथ ही साथ यहाँ से भी ये बंद था जो इस स्टिकर से इसे क्लोज किया था। तो मैंने यहाँ से स्टिकर हटा के इसे बैक में लगा लिया, जिससे कि मुझे इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह पता चलती रहे। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके एमआरपी की। तो 890 का ये प्रोडक्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल भी डिस्काउंट में नहीं मिला है, एमआरपी पे ही मिला है। और अगर हम लोग इसके सेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी सेल्फ लाइफ 3 साल की है, तो काफी टाइम तक ये चलेगा। और अगर इसके नेट कंटेंट की बात करें तो ये 13.5 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो ये हो गई इसकी सारी डिटेल, और अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, इसके साथ आपको मिरर नहीं मिला है जैसा कि आप देख सकते हो। और इसमें 3 कलर आपको मिलते हैं ब्लश के, और एक हाइलाइटर मिलता है। तो सबसे पहले इसके स्वेचेस देख लेते हैं हैंड पर। तो ये जो इसका हाइलाइटर है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये डार्क कलर भी ठीक है। बाकी ये वाला जो कलर है बहुत ही ज्यादा लाइट है, और ये तो मुझे समझ ही में नहीं आया ये इतना लाइट कलर किस लिए है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही लाइट है। अब मैं इसे आपको फेस पे भी लगाकर दिखा देती हूँ। तो गाइज, मुझे तो ये जो लाइट वाला कलर है ना, वो बिल्कुल भी दिखता ही नहीं है, मतलब लगने के बाद पता ही नहीं चलता है। ये बहुत ही ज्यादा फेयर स्किन वाले हो उनके लिए ठीक है ये कलर। अब जो नेक्स्ट कलर है ये वाला कलर बहुत ही ज्यादा लाइट है और बहुत ही नेचुरल सा दिखाई देता है, इसका जो लुक आता है थोड़ा पाउडरी टाइप का है ये बहुत ही ज्यादा। आप देखो किस तरह से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही लाइट सा आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो कलर है डार्क वाला, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रश मैंने क्लीन कर लिया है। तो जो इसका ये डार्क वाला कलर है ना गाइज, ये इसका लुक बहुत ही अच्छा है, और लाइट वाला भी है। अगर आपको ज्यादा डार्क नहीं चाहिए तो आप लाइट ले सकते हैं। तो ये जो दो कलर है वो काफी अच्छे हैं दोनों कलर। अगर हाइलाइटर की बात करें तो हाइलाइटर मैं आपको दिखा देती हूँ। हाइलाइटर इसका बहुत ही अच्छा है, तो आप देख सकते हो हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा इसका हाइलाइटर, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा बहुत ही चमकने जैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छे से हाइलाइट हो रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही
अच्छे से शाइन कर रहा है ये। इसमें जो इसका हाइलाइटर है वो बहुत ही अच्छा है, साथ ही ये दो कलर भी विजिबल होते हैं मेरी स्किन टोन वालों के लिए। और ये वाला कलर मेरे ख्याल से फेयर स्किन टोन के लिए, क्योंकि हमारे स्किन टोन पे तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपका आपकी जो स्किन की टोन है वो मेरे जैसी है, मतलब आप ज्यादा फेयर नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये पैलेट आपके लिए नहीं है, क्योंकि 890 का ये पैलेट है जो कि काफी कॉस्टली भी है, और उसमें से आपको एक कलर आपके यूज का नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा पैसा इस पैलेट पे लगाना कोई अच्छी डील नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।